पर्यावरण संधि को समझने से पहले हमें अनुस्वार संधि को समझना पड़ता है। पर्यावरण संधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले अनुस्वार संधि को समझना पड़ता है, क्योंकि अनुस्वार संधि में कुछ वर्ण पर्यावरण के आते हैं, इसलिए अनुस्वार संधि को पहले समझते। तो अनुस्वार संधि में एक सूत्र है कि मो अनुस्वार। मो अनुस्वार का मतलब होता है कि किसी भी पदांत म, पदांत का मतलब किसी भी पद के अंत में म हो, जैसे पद के अंत में जैसे हरि में, जैसे राम में, तो रामम ये म आ रहा है, पीछे पीछे ये म आ रहा है, इसको पदांत कहते हैं, पद का अंतिम वर्ण इसको म कहते हैं। तो इसका पदांत म म आ जाए, मुँह नहीं है ये, म है अलंत वाला, ये म आ जाए तो इसके बाद में मतलब प्लस के बाद में हल, और हल का मतलब होता है व्यंजन, हल का मतलब होता है व्यंजन, और व्यंजन का व्यंजन कोई भी व्यंजन आ जाए, हल वर्ण आ जाए, और हल का मतलब होता है व्यंजन। तो इसमें क्या होता है कि इस म का हम अनुस्वार बना देते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, ऐसी बिंदी होती है, और ये हल वर्ण अलग ही होता है। इसमें जैसे ये मातरम प्लस बंदे में म है, तो म को हमने अनुस्वार बना दिया, वंदे लिख दिया, इसको मिलाते नहीं है, बस अलग रखते हैं। और इसमें जैसे प्रियम प्लस बद, प्रियम बद में, प्रियम में म पदांत है, पदांत म है, तो इस म को बना देंगे अनुस्वार, अनुस्वार बना दिया और बद लिख दिया। ऐसे ही हम रामम प्लस गच्छति, तो ये प्लस ये हलवाण है, हलवाण का मतलब व्यंजन, तो ये रामम म को हमने यहाँ पर बिंदी लगा दी, यानी कहने का मतलब अनुस्वार बना दिया, और ये गच्छति, रामम गच्छति, इस तरह होता है। और भी आगे मैं बता दूंगा टाइम मिलेगा तो। थैंक यू।